कुछ ही समय में दोस्तों हमने इतनी मछली पकड़ ली है। दोस्तों तो आज हम फिर से आए हैं मछली पकड़ने के लिए कास्ट नेट से, बहुत दिन बाद आए हैं। ये हमारा नया कास्ट नेट है, पहला जो कास्ट नेट था वो थोड़ी छोटा था, ये बहुत बड़ा कास्ट नेट है, 9 फीट से ज़्यादा है। और जो हमने पहले बनाया था उसमें हमने नट का उपयोग किया था, इसमें हमने लोहे के गुरिये लगाए हुए हैं, आप देख रहे हो। और ये बड़ा नेट है, ये वेट में भी भारी है, तो आज हम इससे फिशिंग करने वाले हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो चलते हैं इस नेट से हम फिशिंग करने के। और इस तरह के जाल मैं सेल भी करता हूँ, यदि आपको चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, तो आपको इस तरह के प्लास्टिक वाले और नायलॉन वाले नेट आपको मिल जाएंगे, मेरे पास हैं अभी, परचेस कर सकते हो आप। तो आज हम फिशिंग करेंगे, आज हम फिर से आए नदी में, और हमारे यहाँ नदी बहुत तेज़ है, अभी बारिश फिर से हुई, तो चलते हैं फिशिंग करने के लिए। मैं कैमरे को यहाँ माउंट करने वाला हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट थ्रो हम वहाँ करने वाले हैं, ये आप देख रहे हो, इसमें हमने लोहे के गुरिये का उपयोग किया है, तो इसको हम तेज़ बहाव में भी थ्रो करेंगे, क्योंकि पहले जो नट लगाए थे वो थोड़ी वेट में हल्का था, तो इसको हम पहला थ्रो जो है ना यहाँ तेज़ बहाव में करने वाले हैं। ये बड़ा नेट भी है, वेट भी हमारा पर है, देखते हैं कुछ है कि नहीं। पहला थ्रो है ये हमारा, धीरे धीरे इसको खिसकाते हैं ताकि मछली रहे तो भाग ना पाए। इसका बेट सही है इसलिए हमने इसको थोड़ी तेज़ बहाव में थ्रो किया है, पहले वाला जो नेट था उसको तेज में थ्रो नहीं कर पाते थे। देखते हैं क्या आया है। फर्स्ट एक मच्छी आई, दो आई हैं, तीन। तो दोस्तों पहले थ्रो में हमें मच्छी मिली है, और देख रहे हैं एक दो, ये तीन मच्छी हमें मिल गई हैं दोस्तों पहले थ्रो में। और इसमें एक पत्थर भी आया है, तो इसको हम बहुत आराम से निकालते हैं, कहीं नेट हमारे फट ना जाए। तो दोस्तों पहले थ्रो में हमें तीन मच्छी मिल गई है, तो उनको हम रखते हैं। अब चलते हैं और अंदर, हम थ्रो करते हैं इसको और थोड़ी गहरे बा, एक बार और यहीं पे थ्रो करते हैं तेज़ बहाव में, क्योंकि ये नेट उतना सोड़ नहीं करता है, तो हमें पास पास मच्छी भी मिल जाती है। वाह, ज़्यादा तेज़ बहाव में कर दिया, बहुत ज़्यादा में कर दिया, यहाँ तो कुछ आई नहीं। हाँ कुछ है, एक मच्छी आई है, एक। चलो अब अंदर की ओर हम चलते हैं इस तरफ, तो थोड़ी आगे थ्रो करेंगे थोड़ी तेज बहाव में। यहाँ पर बड़ी बेका धुरी तो मिल जाएगी, खिसक गए, कई लगी हुई है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, एक दो छोटी छोटी तो दिख रही थी उसके अंदर। तो निकालते ही जाते हैं, एक मच्छी है, एक दो, दो मच्छी और हैं, यहाँ पर हमें पांच मच्छी मिली, दो तीन, चार हो गई। दोस्तों इस बार हमें कुछ ज़्यादा मच्छी मिली थी, ये थोड़ी साइज में बड़ी थी इसलिए हमें ये मिल गई है। एक और है, ये है पंच, अब नहीं, अब इसको सही से बहाव में मछली निकालना थोड़ी समस्या खेल रहता है, छोटी छोटी मच्छी रहे, हालांकि उसके बाद भी हम निकालते हैं अच्छे से, यहाँ तो उतना बहाव नहीं है अभी।
चलो एक बार और यहीं पे शुरू करते हैं। बहुत धूप है यहाँ पे। देखते हैं कुछ आया। हाँ जी है ना, तीन चार मच्छी आई है। कुछ दिन भाग गया, एक तो भाग गया। अभी एक और है दोस्तों, इसमें इस बार चार मच्छी हमें मिल गई है। पहले हम यहाँ थ्रू करेंगे फिर आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ दूर से थ्रू करते हैं दोस्तों, क्योंकि पास जाएंगे तो अगर मच्छी होगी भी तो भाग जाएगी। चुपके से चुपके से देखते हैं कुछ है कि नहीं। हाँ यहाँ तो मच्छी होगी तो दिखेगी, बाहर ही दिख जाएगी। एक मच्छी है ये है, यहाँ तो बहुत कम पानी था मैंने देखा। एक मच्छी ये है, एक यहाँ पर है, हमें दो मच्छी मिल गई और एक और यहाँ पर है, एक और यहाँ पर है। ये कम पानी का बहुत अच्छा रहता है। एक और यहाँ पर है, देखो पांच छह हमें यहीं पर मिल गई। देख रहे कम पानी में ये रहता है कि मच्छियों में दिख जाती है, जाल को खींचने खाँचने का प्रॉब्लम नहीं रहता है, सीधा मच्छी को निकालो बस। तो यहाँ पर हमें पांच मच्छी मिल गई है, क्या शानदार थ्रो हुआ है। आप देख रहे हो दोस्तों इस तरह से नेट, आप एक और यहाँ फंसी है। इस तरह का नेट आप हम उससे बाय भी कर सकते हैं यदि आपको चाहिए हो, और बनाकर भी देख सकते हैं। बनाना यदि आपको बनाना हो तो ऊपर लिंक भी दिया है आई बटन पर। तो इसमें पांच छह मच्छी हैं मिली हैं अब नहीं हैं। तो दोस्तों अब हम बहाव थ्रू करने वाले हैं। अभी हमने बहाव किया था, अब हम थोड़ी तेज़ बहाव में थ्रू करेंगे, क्योंकि मछली अभी तेज़ बहाव में है, धूप निकली है, दूर से ही थ्रू करेंगे। शानदार थ्रू देखा दोस्तों, किस तरह से हमारा नेट चिपका हुआ है ज़मीन से। यदि आपको दिख रहा हो तो एकदम चिपक जाता है नेट, लेकिन यहाँ थोड़ी गहरा था तो यहाँ तेज बहाव भी था और गहरा था तो शायद एक मच्छी आई है, थोड़ी बड़ी भी है तो इसलिए एक फिश बैग के अंदर ही फंस गई। देख रहे हो नंतर निकल जाती है जी, छोटी रहती है। एक ही आई थी, चलते हैं अब आगे की ओर, इधर ऊपर की ओर थ्रो करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ तेज़ बहाव है और बुलबुले छूट रहे हैं तो मच्छी यहाँ पर लगी रहती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रहती है बुलबुले की। अपन को ज़्यादा नेट बहने नहीं देना है, अगर मछली होगी तो उलझ जाएगी इसी में, अगर बहने दिया तो दिक्कत हो जाती, भाग जाती है मछली कहीं। वाह तीन चार मछली आई है, एक भाग गई, एक चली गई। हाँ थोड़ी छोटी थी वो इसलिए ये थोड़ी छोटी मछली है इसलिए ये आराम से निकल जाती है, फिर तक पहुँचती ही नहीं और नहीं है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे थ्रो करने वाले हैं, ये जो पानी टूट रहा है जहाँ पर पत्थर के कारण, वहाँ पर मछली लगती है, बुलबुले जहाँ उठते हैं। यहाँ पे सूरज दिख रहा होगा दोस्तों, सूरज पड़ रहा सामने, लेकिन मछली है इस पे। एक तो ये फंसी हुई है, ये
रिकॉर्ड है। दोस्तों यदि हमें ऐसी फंसी दिखती है मछली तो पहले ही निकाल लेते हैं। इस तरह से छोटी मछली यदि फंस जाए। रिकॉर्ड है यहाँ पर। वाह इस बार 4-5 फिर से मिल गई। और नहीं है, जाल फंसा हुआ है और जाल को हम भी निकालेंगे यहाँ नीचे से। पानी के बीचों बीच अभी हम नेट खेल रहे हैं तो इसलिए हम मच्छी मिल रही है। यदि मच्छी हमें दिखेगी तो पहले हम हाथ से मछली को पकड़ेंगे। ओ यहाँ तो एकदम ही कम पानी था इसीलिए यहाँ पर मछली नहीं है, दिखी नहीं गई। एक मच्छी थी यहाँ पर दोस्तों, एक थी, बहुत कम पानी था, दूर से देख नहीं पाए वहाँ पर। दोस्तों वो जो पानी वहाँ पर बहाव गिर रहा है ना दोस्तों, वहाँ पर अब हम थ्रो करने वाले हैं। यहीं दूर से ही थ्रो करेंगे थोड़ी नीचे की ओर, हो सकता है वहाँ कुछ मच्छी हो चुकी है। थोड़ी हम दूर से ही थ्रो करने वाले हैं दोस्तों। नेट तो अपना प्रॉपर तरीके से गिरा लेकिन मच्छी हो जब बात है, मच्छी तो दिखी नहीं दोस्तों, नेट में नहीं दिखी, छोटी छोटी मच्छी उचकती हुई। नहीं दिख रही है, ऐसा ही उठा लेते हैं इसे। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला दोस्तों, शानदार जगह है, मैं नेट थ्रो किया था लेकिन मच्छी नहीं मिली है। सूरज डूबने वाला है दोस्तों और हमने मछली काफ़ी पकड़ ली है, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, 1.5 किलो से ज़्यादा हमें मिल चुकी हैं। एक दो बार और हम थ्रू करते हैं, अभी हम यहाँ पे थ्रू करते हैं सामने, थोड़ी दूर से ही थ्रू करेंगे, यहाँ ऊपर या नीचे, नीचे की ओर करते हैं। दूर से थ्रू करने में क्या रहता मछली पता नहीं चल पाता इतने अच्छे, ज़्यादा ऊपर हो गया दोस्तों, ये ऊपर होना भी गलत है। यहाँ पर है एक मच्छी, भाग गई वो भी, एक भी नहीं फंसा दोस्तों। हालांकि दोस्तों हमने इतनी मछली पकड़ ली है, आप देख रहे काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं बाहर चल के, एक दो बार और हम थ्रू करते हैं। एक मच्छी है वो छोटी है, वो तो निकल जाएगी, नहीं निकल रही उसको, छोटी थी वो। चलो अब बाहर चलते हैं दोस्तों, मच्छी हमें मिल गई है काफ़ी, इनको हम यहीं रोस्ट करके खाने वाले हैं आज। दोस्तों तो हमने दोस्तों में फिशिंग कर ली है, अब हम तो दोस्तों इतनी मछली हमने पकड़ ली है, आप देख रहे हैं नीचे का दोस्तों, तो करीब कुछ ही समय में दोस्तों हमने इतनी मछली पकड़ ली। दोस्तों ये जो प्लास्टिक वाला नेट है ये बहुत शानदार नेट है, वजन में भी हल्का है और थ्रो भी आसानी से होता है क्योंकि वजन में हल्का है और कैरी करना भी आसान है। आप इसको बड़ी साइज़ या छोटी साइज़ का मुझसे खरीद सकते हैं, यदि आपको चाहिए वो बनाना हो तो ऊपर लिंक है, आप वहाँ जाके बना सकते हो, बनाना सीख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप देख रहे हो मैंने कम समय में इतनी मछली पकड़ ली है।